हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सॉलिड इलेक्ट्रिकल टिप्स में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीलिंग फ़ैन आप देख पा रहे हैं, इसमें हवा नीचे आने के बजाय ऊपर तरफ जा रही है, नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। और ये आप देख पा रहे हैं, पन्नी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि हवा बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही है। और ऐसा क्यों है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी एक दो दिन पहले हमारे किसी भाई ने इस फैन का कैपेसिटर चेंज किया है। इसमें जो स्पीड है वो कम हो गई थी, तो हमारे किसी भाई ने इसका कैपेसिटर तो चेंज कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग और रनिंग वायर आपस में चेंज कर दिया, जिस वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस कंडेंसर को चेंज किया गया है। और साथ ही इसमें से ये जो दो वायर हैं ऊपर और बीच वाले टर्मिनल के, ये आपस में चेंज हो गए हैं, जिस वजह से इस पंखे का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, ये कोई बड़ा फॉल्ट भी नहीं है, इसको फॉल्ट नहीं कह सकते। ये बस कनेक्शन चेंज होने की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो हमें इसका डायरेक्शन वापस से चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम ये बीच वाले टर्मिनल का वायर ऊपर वाले टर्मिनल में और ऊपर वाले टर्मिनल का वायर बीच वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे, और हमारा पंखा फिर से सीधा घूमने लगेगा और इसकी जो हवा है वो भी नीचे की तरफ आने लगेगी। दोस्तों, डायरेक्शन चेंज करते समय एक बात का ध्यान रखें, इसमें हमारा जो कॉमन वायर है और जिसमें कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं हुआ है, उस वायर को बिल्कुल नहीं छूना है। वो पंखे का कॉमन वायर होता है और पंखे के डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल ना छेड़ें। दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन हो गया है, इसको टाइट कर लेते हैं, फिर आपको चालू करके दिखाते हैं कि पंखे का डायरेक्शन सही हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हमारे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो कंजूसी ना करें। चलिए दोस्तों, फैन को चला कर देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा पंखा चालू हो चुका है दोस्तों, और अब इसकी हवा नीचे आने लगी है, ये आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।